हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 से 5 मार्च तक ऑनलाइन फॉरम हो रहे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिनका पुनर्मूल्यांकन में रिजल्ट आ चुका है, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी 4,688 और पहले के 45 स्टूडेंट्स हैं। टोटल मिला के 4,733 अभ्यर्थी हो जाते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, जब काउंसलिंग आपकी 7-8 में काउंसलिंग होने वाली है, तो उस काउंसलिंग में उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं और उस टाइम पर जिस टाइम आप काउंसलिंग कराएंगे उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तो ये सारी की सारी डिटेल हम एक बार देखेंगे क्या प्रारूप रहता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमारा कि करेक्टर सर्टिफिकेट CC हमारा कब का होना चाहिए और किस डेट का होना चाहिए, कब जमा होगा, काउंसलिंग के वक्त उसको जमा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात रहती है कि हेल्थ सर्टिफिकेट, ये छोटी छोटी जानकारी कोई नहीं दे पाता, तो जानकारी को हम लेके आए हैं, तो वो कब हेल्थ सर्टिफिकेट कब लगेगा आपका, कब आपका उसका यूज होगा, ये सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम आपका रिप्लाई कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स कोई अभी आपके पास बन नहीं पाया तो उसको भी आप बनवा के तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पूरा का पूरा सिस्टम समझते हैं कि क्या होता है काउंसलिंग के वक्त। तो मेन चीज़ क्या है, काउंसलिंग के वक्त 2 फोटोकॉपी की जीरोक्स, आपकी जो भी मूल डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के 2 सेट आपके जमा होंगे, जहाँ भी काउंसलिंग होगी 2 फोटो सेट, और प्लस उसके साथ में 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी पूरी की पूरी सबमिट करी जाएगी, कि जो भी सारे डॉक्यूमेंट जो भी ऑनलाइन आपके पास में हैं ओरिजिनल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा कर लिए जाएंगे डाइट पर, जहाँ भी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी मतलब BSA ऑफिस पर जमा होंगे या फिर डाइट पर जमा होंगे, तो जहाँ भी होंगे, जहाँ भी विज्ञप्ति में जारी कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाके अपना 2 सेट फोटोकॉपी की और अपनी ओरिजिनल फाइल, और मैं बोलना चाहूँगा कि एक दो फाइल अपनी एक्स्ट्रा बना के रख लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और टोटल जो फाइल आपकी काउंसलिंग से लेके और एंड तक जरूरत पड़ने वाली है, तो 7 फाइल की जरूरत पड़ेगी आपको, तो कहना रहेगा कि एक बार में ही आप 7 डॉक्यूमेंट्स की फाइल कंप्लीट कर लें बना के। सो गाइस, अब देखते हैं कि सबसे पहले आप जहाँ भी काउंसलिंग कराने जाएंगे तो इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कि जमा किए जाने वाले मूल अभिलेखों का विवरण, तो कौन कौन से जो अभिलेख हैं वो आप जमा करेंगे, तो उसके लिए भाई एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर 2 फॉर्म देने पड़ेंगे आपको, जो दोनों भर के जमा करने पड़ेंगे, जो एक आपको रिसीविंग करके आपको मिल जाएगा, एक वहीं जमा हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये इस प्रारूप में रहेगा, आपकी डिटेल रहेगी, डिटेल में सबसे पहले रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे, उसके बाद में सूची क्रमांक, जो भी आपकी जो लिस्ट आएगी जिला आवंटन वाली, उसमें कौन सा रैंक आपको फॉलो कर रहा है, जो सीरियल नंबर है वो भरना पड़ेगा, अभ्यर्थी अपना नाम भरना पड़ेगा, लिंक भरना पड़ेगा आपको मेल या फीमेल जो भी है, उसके बाद में आपके फादर्स नेम या पति का नाम जो भी है वो अपना फिल करना पड़ेगा। आफ्टर डेट बात आती है जन्मतिथि, जो भी आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में जन्मतिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को आप डाल दीजिएगा, और उसके बाद में उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में दिया हुआ है वही फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, और निवास का पूरा पता, मतलब जहाँ भी आपका जो डॉक्यूमेंट डोमिसियल में आपने एड्रेस लिखा है वही एड्रेस यहाँ पर पूरा का पूरा फिल कर दीजिएगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स जमा करने वाली बात, तो डॉक्यूमेंट जमा कौन कौन से किए जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हाई स्कूल का अपना पूरा अंक पत्र, लेकिन आजकल मतलब अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक में दे रखें तो एक ही जमा करिएगा, और दोनों अगर ये आपका अलग अलग है तो दोनों को आपको यस करना पड़ेगा, तो हाई स्कूल का अंक पत्र और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए आपके पास में, वो भरना पड़ेगा। उसके बाद में बात आती है इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट का अंक पत्र और इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास में। अब बात करते हैं स्नातक, तो स्नातक में जितने भी सेमेस्टर होते हैं, जितनी भी ईयर के एग्जाम होते हैं, मोस्टली 3 ईयर के होते हैं और या 4 सेमेस्टर है या मतलब 6 सेमेस्टर जितने भी हैं, तो वो सारा का सारा उल्लेख करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो स्नातक के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल होने चाहिए ओरिजिनल वाले। अब बात आती है स्नातक प्रमाण पत्र, तो स्नातक प्रमाण पत्र में आपका क्या है कि जो आपकी डिग्री होती है तो डिग्री होनी चाहिए। अब वो डिग्री चाहे आपकी ओरिजिनल हो या उसके बाद में प्रोविजनल डिग्री हो, अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री भी आप बनवा के इसका यूज कर सकते हैं। और प्रोविजनल डिग्री की जो वैलिडिटी होती है बता दूं मैं, 6 मंथ होती है, 6 मंथ के अंदर बनी हुई होनी चाहिए, अंडर द 6 मंथ, तो 6 महीने के अंदर बनी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको टिल काउंसलिंग डेट तक।
और उसके बाद में बात आती है डीएलएड पत्र। अगर डीएलएड आप डीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है तो वो भरना है आपको, या बीएड किया हुआ था उसका प्रमाण पत्र भरना है अंक पत्र। यदि आपने बीटीसी की हुई है, विशिष्ट बीटीसी या 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू अंक पत्र है, तो उसकी जो चारों सेमेस्टर होते हैं उन चारों सेमेस्टरों की मार्कशीट ओरिजिनल आपको यहाँ पर ओरिजिनल में रखनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। उसके नीचे आता है कि उसका प्रमाण पत्र, तो जो भी बीटीसी डिग्री की है उसका प्रमाण पत्र होगा, तो उस प्रमाण पत्र को भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद जो आती है अध्यापक पात्रता परीक्षा, मतलब कि टेट, जो टेट वाली आपकी मार्कशीट है वो होनी चाहिए आपके पास में, तो उसको भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा कि है। उसके बाद में बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र आप जो होना चाहिए आपके पास में, और जाति प्रमाण पत्र अंडर द 3 ईयर या अंडर द 3 ईयर नहीं है तो अंडर द 5 ईयर आपका होना चाहिए तो आपका काम करेगा, और नेट पर वेरीफाई आपका होना चाहिए। तो आप बनवा लिए होंगे सब लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की भी वही क्या क्वालिटी, मतलब यही बात रहेगी कि जो अंडर द 3 ईयर का होना चाहिए, अगर मैक्सिमम 5 ईयर का भी हो सकता है, नेट पर चढ़ा हुआ होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। मतलब कि जो फॉर्म भरे जाएंगे 1 तारीख से, मतलब 1 मार्च से पहले का आपका अगर प्रमाण पत्र है बना हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद में आता है विकलांग प्रमाण पत्र, अगर विकलांग पीएच का कोई व्यक्ति है तो भी अपना फॉर्म फिल कर सकता है। अगर बात उसके बाद में आते हैं हम ये, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में है तो वो भर दीजिएगा। और इसी बीच में स्वतंत्रता प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास में है स्वतंत्र सेनानी वाला, तो उसको भी आप भर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं भर देंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो फोटोयुक्त पहचान पत्र, जो फोटोयुक्त पहचान पत्र आपने जो फॉर्म में सबमिट किया हुआ है, लगाया है, जो फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं, तो उस फॉर्म में जो है वो उस फॉर्म को आप यहाँ पर भर दीजिएगा। अब यदि कोई आपके पास में प्रमाण पत्र है, जैसे कंप्यूटर कोर्स वगैरह, SSC वगैरह का, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं, लेकिन और नहीं है तो कोई उसकी आवश्यकता है नहीं। अब कुल संलग्नों की संख्या, आप टोटल जितने भी आपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं तो उसकी संख्या लगा देना, क्योंकि मैंने 18 लगाए तो यहाँ पर मैंने 18 काउंट करके लगा दिए गए। जितने भी प्रमाण पत्र आपके बन रहे हैं तो वो सारे के सारे टोटल करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। जब भी काउंसलिंग के वक्त ओरिजिनल फाइल के साथ में रहेगा, दोनों फोटो कॉपी जब भी वो रहेगा, तो क्या होगा तुम्हारा कि यहाँ पर जो भी प्राप्तकर्ता होगा ओरिजिनल फाइल सबमिट करेगा तो वहाँ पर आपका सिग्नेचर करेगा और डेट डाल देगा, तो जिससे कि आपका जब भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो इस मूल रसीद को आप दे के जाएंगे तो आपको मूल डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर और दिनांक डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी है अपना सिग्नेचर करना और डेट डाल लेना। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर, कि जो काउंसलिंग एट द काउंसलिंग, अब इन काउंसलिंग के वक्त ही सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, लेकिन बात आती है कि मतलब ये काउंसलिंग हो गई उसके बाद में ये सीसी और हेल्थ सर्टिफिकेट कब लगता है, तो काउंसलिंग के वक्त इस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको जमा करना है कोई भी। अब जैसे ही आपकी काउंसलिंग होने के बाद में जो ब्लॉक आपको आवंटन होगा, जो स्कूल आवंटन होगा, तो उसकी BRC पर आपको जाना होगा, वहाँ पर फिर से आपकी 2 फाइल सबमिट होगी, 2 फोटोकॉपी की जो फाइल आपने लगाई हुई हैं। और एक बात बता दूँ इसी के साथ में, कि जो काउंसलिंग वक्त ये डॉक्यूमेंट्स तो रहेंगे रहेंगे ओरिजिनल, इसके साथ में आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा के, और उस पर जो भी प्रारूप आएगा उसको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जो उस पर प्रारूप पर आप अपना एफिडेविट बनवा के लगाएंगे, और उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स और 2 फोटोकॉपी की फाइल जमा करनी पड़ेगी। इतना काम तो हो जाता है काउंसलिंग के वक्त। काउंसलिंग के वक्त के बाद में जब आपका ब्लॉक और स्कूल आवंटन होगा, जो भी स्कूल आवंटन होगा उस स्कूल का जो ब्लॉक होगा, BRC होगी, वहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको 2 फाइल सेट जमा करने पड़ेंगे, जितनी भी आपने जो डाइट पर जमा किया है काउंसलिंग के वक्त में, वो दोनों की दोनों सेट, और आपको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा उसकी फोटोकॉपी, और तो यहाँ से उसको 2 BRC पर 2 फाइल सेट जमा होती हैं। उस वक्त आपको CC मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस टाइम आपको जमा करना पड़ेगा। तो और जो आपका जो CC होता है उसकी कंडीशन बता दूँ, 6 मंथ का अंडर का होना चाहिए बना हुआ, और दूसरी बात में कि 6 माह से 6 मंथ से
ऐबअप का बना होना चाहिए, मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा, 7 महीना, 8 महीना या साल में बना हुआ। तो 6 मंथ से ऊपर होगा तो आपका वैलिड माना जाएगा, चाहे 7 मंथ से और आपका 5 ईयर तक के बीच में कितने का ही बन जाएगा, 10 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, अगर बना के देता CC आपका तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2 CC आपको बनवाने हैं, नहीं बनवाए नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लीजिएगा। और बात रही हेल्थ सर्टिफिकेट की, तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उस डिस्ट्रिक्ट के जो जिला अस्पताल होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उससे बनवाना पड़ेगा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, तो वहाँ से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपके पास में अगर करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बना लीजिएगा। अगर बात कर रहे हैं तो गजिस्टेड ऑफिसर का होना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो सकता है आपका, या राजकीय कॉलेज हो सकती है, या BDO हो सकता है, तो इन सभी अधिकारियों के जो गजिस्टेड ऑफिसर में आते हैं तो उनके थ्रू आप अपना दो करेक्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फॉर्म भरने के तुरंत बाद में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। और तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। जितने भी आपके साथियों ने जो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हुए हैं तो उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फेसबुक व्हाट्सअप पर, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो और कोई भी डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको वंचित ना रहे। सो गाइज कोई भी कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।